हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू टीच ए चाइल्ड टू रीड फास्ट, बच्चे को जल्दी पढ़ना कैसे सिखाएं। मैंने अपने बच्चे को 4 साल की एज में ही पढ़ना सिखा दिया था। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा जल्दी पढ़ना सीखे तो ये वीडियो ज़रूर देखें। इसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरी प्रोसेस शेयर की है। व्हेन टू स्टार्ट, कब शुरू किया जाए, तो ऐसे तो ये 4 ईयर्स ओल्ड में ही शुरू किया जाता है, क्योंकि स्कूल में जब बच्चे LKG में होते हैं तब ये इंट्रोड्यूस किया जाता है। हमारा पहला स्टेप है प्री रीडिंग स्किल्स, पढ़ना शुरू करने के पहले वाली प्रोसेस। ये इंट्रोड्यूस होता है 1 से 2 साल की एज में, 1 to 2 years old, जब बच्चे बोलना शुरू करते हैं। हमें ऐसी एक्टिविटीज़ उस वक्त इंट्रोड्यूस करा देनी चाहिए जिससे कि रीडिंग शुरू करने में उन्हें काफ़ी हेल्प मिल सके। तो आइए देखते हैं। लेटर आइडेंटिफिकेशन, इसमें हम अल्फाबेट को आइडेंटिफाई करना सिखाते हैं। तो इसमें आप कैलेंडर की मदद ले सकते हैं, बुक्स की मदद ले सकते हैं। आप मैग्नेटिक अल्फाबेट्स को अलमीरा या फ्रिज में स्टिक करके भी सिखा सकते हैं। आप बोर्ड बुक्स की मदद से बच्चे को खेल खेल में लेटर आइडेंटिफिकेशन, साउंड आइडेंटिफिकेशन बहुत कुछ सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा साउंड आइडेंटिफिकेशन, इसमें हम A to Z अल्फ़ाबेट के फोनिक साउंड को सिखाते हैं। जैसे कि A का साउंड होता है ए, B का ब, तो ये पूरी की पूरी चार्ट दी गई है, आप इसकी मदद से बच्चे को आसानी से सिखा सकते हैं। उसके बाद हम सिखा सकते हैं राइटिंग स्किल्स, इसमें हम बच्चे को अल्फ़ाबेट ट्रेसिंग करना सिखाते हैं जिससे कि वो जल्द से जल्द इन्हें आइडेंटिफाई करना सीख जाए। नेक्स्ट स्टेप इज़ ओरल लैंग्वेज, मीन्स स्पीकिंग स्किल। बच्चे जितना ज़्यादा शब्दों को बोलेंगे उतनी ही ज़्यादा वो रीडिंग में फास्ट होंगे। इसके लिए आप स्पोकन इंग्लिश क्लास की भी हेल्प ले सकते हैं। मैं बच्चों की स्पोकन इंग्लिश क्लास भी ले रही हूँ, इससे भी आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। नेक्स्ट स्टेप लिसनिंग स्किल्स, बच्चे की सुनने की क्षमता। इसके लिए आप क्या कीजिए, बच्चे को जोर जोर से स्टोरी सुनाएं या फिर उसे राइम सुनाएं और आप उसके साथ बैठ करके स्टोरी पढ़िए। इससे क्या है, बच्चे की वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होगी और वो ध्यान केंद्रित करके सुनेगा, तो इससे बाद में उसको रीडिंग करने में बहुत हेल्प मिलेगी। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, रेडी टू स्टार्ट रीडिंग। 3.5 to 4 years, इस एज में बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं। इसके बाद सिर्फ 3 months लगेंगे, बच्चे स्टोरी बुक पढ़ना शुरू कर देंगे। चलिए अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फोनिक्स बताती हूँ जिसके थ्रू बच्चे को आप इजीली पढ़ना सिखाते हैं। मैंने फोनिक्स की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की हुई है, आप चाहे तो वहाँ पर देख कर भी बच्चे को पढ़ना सिखा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा फोनिक साउंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट, यह LKG में इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें A to Z पूरे साउंड सिखाए जाते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है हमारा CVC वर्ड, यह UKG में इंट्रोड्यूस होता है, इसमें बच्चों को कंसनेंट वावल कंसनेंट की ब्लेंड से बने हुए छोटे छोटे वर्ड सिखाए जाते हैं जिससे बच्चे 3 letter words आसानी से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइट वर्ड्स, जो कि UKG और Grade 1 में इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि छोटे छोटे सेंटेंस या बड़े सेंटेंस उसमें बार बार यूज़ होते हैं और इन शब्दों को हम फोनिक साउंड की मदद से डिकोड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें हम C and C वर्ड्स भी कहते हैं। इसकी भी मैंने क्लास ली हुई है, आप चाहे तो डिटेल में जा कर के वहाँ समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वावल्स एंड कंसोनेंट्स, इसका नॉलेज होना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है UKG और Grade 1 में, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कंसोनेंट्स और वावल के ब्लेंड से ही हम साउंड को बनाना और पहचानना सीखते हैं, जो कि हमको रीडिंग में मदद करता है। ग्रेट, योर चाइल्ड कैन रीड, अब आपके बच्चे पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं वो क्या क्या पढ़ सकते हैं। अब वो पढ़ सकते हैं शॉर्ट सेंटेंसेस। फर्स्ट, It is a fat cat. Second, he is a bad man. Third, rat is on the mat. इस तरीके के शॉर्ट सेंटेंसेस बच्चे इजीली पढ़ लेंगे। अब जो स्टेप्स मैं बता रही हूँ 6, 7, 8, 9, 10, ये Class 1 से बच्चों को शुरू किया जाता है और इससे बच्चे धीरे धीरे रीडिंग में मास्टर हो जाते हैं। 6th one, वोकैबुलरी, यहाँ देख रहे हैं आप, यह गेम्स के थ्रू या एक्टिविटी या वर्कशीट के थ्रू बच्चों को कराई जाती है जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड सीख सके। 7th one, ब्लेंड्स,
ब्लेंड में हम बच्चे को बिगिनिंग कंसोनेंट ब्लेंड, एंडिंग कंसोनेंट ब्लेंड ये सिखाते हैं। इसकी भी मैंने क्लास ली हुई है, आप चाहे तो देख सकते हैं। 8th डाइग्राफ्स, इसमें बच्चे को CH, SH, TH, PH, CK इनके साउंड सिखाए जाते हैं। और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं जिससे कि न्यू साउंड निकलते हैं, तो इनकी भी मैंने क्लास ली हुई है। नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग एंड शॉर्ट वावल्स, इसमें हम बच्चे को लॉन्ग वावल की साउंड और शॉर्ट वावल की साउंड पहचानना सिखाते हैं। लास्ट है हमारा स्पेलिंग रूल, इसमें मैजिक ई, बॉसी आर, बहुत सारी चीज़ें बच्चों को डिटेल में पढ़ाई जाती है। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा किस तरीके से हम बच्चे को रीडिंग फास्ट सिखा सकते हैं। तो आप आज ही से अपने बच्चे को फास्ट रीडिंग करना सिखा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।